स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैथ्स की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपका 10 जुलाई है और हॉस्टल वार्डन की चैप्टर वाइज हम क्लास कराने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज से हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स की क्लास प्रारंभ की जाएगी। तो हम आपको चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेलन से संबंधित जो प्रश्न है आपके हॉस्टल वार्डन में, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइएगा, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर के क्यूब है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम आपको डायग्राम के हिसाब से आपको समझाएंगे भी और इसका फार्मूला। देखिए, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यानी कि आपको फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन ईजिली ही बन जाएगा। तो देखिए, ये आपका बेलन है, तो बेलन का हम डायग्राम बना भी चुके हैं। जैसे कि ये आपका ऊंचाई हो गया एच, और ये आपका व्यास है, ठीक है। जो आपका व्यास है, व्यास का आधा होता है आपका त्रिज्या बाई टू, तो आपका हो जाएगा आर यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है। जो आपका ये पूरा लेकर आए हैं, ये आपका व्यास होगा, इसका आधा आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक बेलन का आयतन 448 पाई का क्यूब है। तो इसके लिए हम सभी को फार्मूला की जरूरत होगी। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। उसी प्रकार फार्मूला आपको तीन तरह की बताऊंगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला है आपका, उसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ये जो तीनों फार्मूला आपको बताया हूँ, ये आपके बेलन से ही प्रश्न है। ये अगर ये तीनों फार्मूला आपको याद होता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जिनको मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न आपके हॉस्टल वाले जैसे एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे। तो जैसे कि देखिए, कहता है प्रश्न, एक बेलन का आयतन 448 पाई का क्यूब है। मान लीजिएगा ये आपका बेलन है, या आपका ऊंचाई हो गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का जो आयतन है आपका कितना है, बेलन का आयतन के फार्मूला बताते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मान आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आयतन आपका कितना था, 448 पाई, ठीक है। तो ये आपका 448 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 448 पाई बटा 7, ये आपका आ जाएगा ना, एक मिनट ना, ये आपका आ जाएगा पाई एच। तो यहाँ से पाई और एक पाई कैंसल हो गया, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 7 से इसको काटेंगे, कितना जाएगा, 7 से 7 6 42, और ये बचा आपका, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो 64 सेंटीमीटर, तो हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर आपका कितना जाएगा, आर बराबर 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकल के आया, 8 आपका त्रिज्या, तो आपको कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि यहाँ पर इसकी सतह के पृष्ठ का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सतह के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच, ठीक है। तो फार्मूला मान रखते हैं, तो 2 पाई का मान होता है आपका, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, या फिर इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 22/7, आर का मान कितना निकल कर आया आपका 8, यानी कि आर का मान आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 यहाँ पर लिख सकते हैं। एच का है आपका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 7 और 7 कैंसिल हो चुका है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 2 22 और 8 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 22 8। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम निकालेंगे इसकी सतह तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 × 44 × 8। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 32 = 2 = 3,
फिर 8 32, 32 और 3 कितना हो गया 33 34 35, यानी कि 352। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 352 होगा। उसी प्रकार क्या है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आप सभी को बताया था, ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2πr r + h। ये आपका फार्मूला हो गया है। तो इसमें हम मान रखते हैं 2π का मान है 22/7, r का मान आपका 8, r का मान 8 है। उसी प्रकार 8 + h यानी कि ये, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 22/7 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 22/7 × 8, ये आपका 7 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो तो जल्दी से ये आपको 15 हो गया। 15 × 8 कितना होता है, जल्दी से सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे गुना करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5280/7 से तो इसको क्लियर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 754.286। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यही पूछा गया है सवाल में कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 754.286 का आंसर होगा। अगर आप जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 754.286 तो आपका आंसर सही होगा। अगर यही पूछा जाएगा तो वक्र का पृष्ठफल क्षेत्रफल इसकी सतह का पूछा जाएगा तो इसका जो सतह का क्षेत्रफल है 352 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार अगर आयतन पूछा जाता तो आयतन आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन दिया रहता तो आप इसको सॉल्व करते या फिर इसको, अगर पूछ लिया जाता एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव में कि आयतन क्या होगा तो इसका आयतन 8 सेंटीमीटर, अगर पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछा जाता 352 और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता तो 754.286 सेंटीमीटर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर ऐसी वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो डेली आप सभी क्लास में जुड़े रहिएगा, डेली आप सभी के लिए क्लास लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शंकु, वृत्त, बेलन, घन, घन, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में समकोण त्रिभुज, त्रिभुज वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। ठीक है।